हेलो गाइस, आज हम बताने वाले हैं जो कि सिंगल डोर फ्रिज हो या डबल डोर फ्रिज हो उसका प्लग चेंज करना। प्लग जो है बहुत टाइम खराब हो जाता है, तो आपको मैकेनिक बुलाना पड़ता है। तो हम आपको ऐसा सलूशन बताएंगे, कोई मैकेनिक को आपको नहीं बुलाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, फ्रिज में जो बल्ब आते हैं वो एक आता है 12 नंबर और एक आता है 14 नंबर, जो कि सिंगल डोर फ्रिज में काम आता है, दो ही चूड़ी का आता है। और जो बल्ब होता है वो ऐसे आपके फ्रिज में लगा होता है, यहीं पे जलता है बल्ब। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इसके अंदर देखिए, एक होल्डर लगा होता है। ये होल्डर ऐसे बल्ब पकड़ेंगे और ऐसे चूड़ी से नचा देंगे, बल्ब को नचाते रहेंगे। जैसे आपका कोई बोल्ट खुलता है, नट खुलता है, उसी प्रकार से ये बल्ब आपका आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये बल्ब बाहर आ जाएगा। देखिए कि उसकी मोटी चूड़ी है पतली चूड़ी है। अगर मोटी चूड़ी है तो 14 नंबर है, अगर पतली चूड़ी है तो वह 12 नंबर है। दुकान से जाएंगे आप, बहुत आसानी से आपको फ्रिज और वॉशिंग मशीन की दुकान पे ये बल्ब मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एलईडी भी आता है, ये नॉर्मल भी बल्ब आता है। एलईडी जो होता है थोड़ा महंगा पड़ता है, मगर वो बल्ब बहुत अच्छा होता है। बहुत आसानी से आप लेके आएंगे, आपके फ्रिज में लगा है। यहाँ पे एक जो है ये देखिए, इस टाइप का होल्डर है, इसमें रख के बहुत आसानी से धीरे धीरे करके इसको फुल एकदम टाइट कर देंगे। जब टाइट कर देंगे आप, तो आपका प्लग ऑन करेंगे, आपका बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आप जो है बल्ब लगा भी देते हैं तब भी बल्ब आपका ऑन नहीं होता। तो देखिए, ये लगी होती है स्विच, डोर स्विच होती है, ये बल्ब के लिए होती है। जैसे आप गेट बंद करते हैं तो ये साइड में लगी होती है, बंद हो जाती है, एक डोर स्विच की होती है। कभी कभी ये होता है कि ये फंसने लगती है, तो आपका बल्ब जलता है, कभी नहीं जलता है, कभी जलता है तो कभी नहीं जलता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मशीन का तेल हो या थोड़ा सा जो है आपके घर में सरसों का तेल हो, थोड़ा सा डाल दीजिए, उसको ऐसे ऐसे करेंगे आप, तो जो है आपका जो है ये स्विच सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो है, अभी कुर्सी का खड़खड़ा रहा है, फोन होता है। स्विच किस प्रकार से काम करती है, पहले हम इसकी जानकारी आपको देंगे। ये स्विच जो होती है वो इस प्रकार से काम करती है, जब आप डोर को बंद करते हैं फ्रिज का, तो ये स्विच दब जाती है। जब दब जाती है तो बल्ब आपका बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका जो है डोर बंद हो गया है तो बल्ब जलता ही रहा, ऐसा नहीं होता। ये स्विच जब बंद होगी तो आपका डोर, आपका बल्ब अंदर का फ्रिज का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब आप जब गेट को खोलेंगे तब ये स्विच जो है बाहर आ जाएगी, तो आपका बल्ब जल जाएगा। ये इस प्रकार से काम करता है। और इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है, इसकी जानकारी हम किसी और वीडियो में आपको देंगे। वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत टाइम हो गया हमें वीडियो बनाते हुए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें, तोड़ देंगे मोबाइल।